हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजी फ्यूजन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दो एक्सेल की दो सेल वैल्यूज को ऐड कैसे करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास दो सेल हैं, सेल ए सेल बी। सेल ए की वैल्यू है 25 और सेल बी की वैल्यू है 36। एक्सेल में दो सेल की वैल्यू को ऐड करना बहुत ही इजी है। आइए जानते हैं वो कैसे। मान लीजिए हमें यहाँ पे सेल ए और सेल बी को ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तीसरे सेल सेल सी में जाएंगे, जिसे हम नेम देते हैं सम। और इसका इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे सम एस यू एम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। दोस्तों, यहां पे हम क्या करेंगे कि उन दो वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें हमने ऐड करना है। अब जैसे इस केस में हमें सेल ए और सेल बी को ऐड करना है तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 61, जो कि सम है सेल ए और सेल बी का। दोस्तों, इसी तरह हम मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, दो से ज्यादा वैल्यूज हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इनमें अलग अलग वैल्यूज हैं। और अब हमें इनका सम चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उन वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे जिन वैल्यूज का हमें सम करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट आ गया 210, जो कि सम है इन सिलेक्टेड वैल्यूज का। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।